आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक विधानसभाओं के दौरे कर प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव गुरुवार को तूफानी दौरे पर निकले, जिसमें भानु प्रताप पूर्व विधानसभा के कोड़े कुर्से गाँव में आम जनसभा को संबोधित करते हुए भानु प्रताप पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज को मतदान कर विजय बनाने की अपील करते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने अंतागढ़ विधानसभा के बांदे पहुंचे, जहां बंग समाज की महिलाओं ने बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार पूजा कर उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने आम सभा को संबोधित करके अंतागढ़ विधानसभा प्रत्याशी अनूप नाग को मतदाता द्वारा मतदान करके विजयी बनाए जाने की अपील की। सभा को संबोधित करने के दौरान TS सिंहदेव ने वादा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही अगले 10 दिनों में किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, उपभोक्ताओं की बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को हफ्ते में एक दिन अवकाश देने की भी बात कही गई। इसके अलावा बंग बंधुओं की लंबे अरसे से की जा रही मांग, नामोसूदों की मांग को पूरा करने की 5वीं अनुसूची लागू करने का वादा किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उद्बोधन को सुनने हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और मक्के की भी न्यूनतम मूल्य में हम खरीदी करेंगे 1200 या 1300 क्विंटल 1345। हुआ खरीदी? नहीं हुआ। धान का 2400 रुपया मिला? नहीं मिला। तो उन्होंने जो किया कि नहीं किया, कांग्रेस की सरकार जो पहला काम करेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोल दिया, सरगुजा के सीतापुर में आए थे वहां भी बोला उन्होंने, अभी रायपुर आए थे वहां भी बोला उन्होंने कि और कुछ हमारी सरकार करेगी कि नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ में पहला काम करेगी किसानों का कर्जा माफ करेगी और 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेगी। और जब राहुल जी ने कह दिया है कि 10 दिन में माफ करना है, तो ये कांग्रेस की सरकार 15 साल पुराना वाला पहला जोड़ी नहीं है कि जो धीरे धीरे चलेगा, वो पैना में आप पहुंचिएगा तब वो नहीं चलेगा, ये नया जोड़ी कांग्रेस का रहेगा। और आते साथ पहला ऑर्डर जो कांग्रेस की सरकार करेगी वो किसानों के कर्जे को माफ करने की घोषणा, पहले दिन पहले फाइल जो कांग्रेस की सरकार मंगाएगी वो किसानों के कर्जे को माफ करने वाली फाइल मंगाएगी और उसमें दस्तखत करके आदेश देगी कि किसानों का कर्जा माफ हो। कौन कौन सा कर्जा लोग पूछते हैं। छत्तीसगढ़ से ये थी जावेद खान की रिपोर्ट।